आप पति नहीं, परमेश्वर किसी की भी नहीं है। नमस्ते करते सब। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सो एक बारी ओ तेरी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सारे बढ़िया होंगे। तो हम भी बिल्कुल ठीक है। तो गाइज, अभी हो रहा है सुबह के टाइम और आज का ब्लॉग शूट हो रहा है सुबह सुबह से। और अपना काम वगैरह छुट्टी है आज, अपना काम वगैरह सब छुट्टी है क्योंकि आज जाने का मन नहीं किया था वैसे, तो इसलिए काम वगैरह भी छुट्टी किया है। तो अभी नाश्ता पानी करके तो अभी हम आए हैं इधर मम्मी जी के घर में। तो मम्मी पापा लोग गए हुए थे नेपाल, एक महीना हो गए गए हुए, तो आज आ रहे हैं मम्मी पापा लोग नेपाल से वापस। तो कल वहाँ से निकले हुए थे नेपाल से, तो आज अभी मेरे ख्याल हरियाणा में पहुँच गया। सुबह मैंने फ़ोन किया था हरियाणा में, आगे बस रुक गया है तो वहाँ पे आगे जो उनके आगे बस चल रहा था वो कह रहे थे कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया इसलिए वहाँ पे रुक गया है। तो अभी निकल चुके होंगे शायद वहाँ से, तो कह रहे थे थोड़ी देर में निकल जाएगी। तो अभी हम आए हुए हैं इधर मम्मी जी के घर में, तो यहाँ पे सफाई वगैरह करना है। तो एक महीना से कोई भी नहीं रह रहा है यहाँ पे, तो काफ़ी गंद मचा हुआ है। इधर देखो सारा पत्ते वगैरह गिर गया है यहाँ पे, कितना खिलारा डाला हुआ है। तो अभी हम आए हुए हैं, उषा मैं सीमू और आशीष आए हुए हैं। तो खुशी तो अभी चल गई है नेपाल, नेपाल तो नहीं गई हुई अभी, और चल गई है वो पे अभी है वो चंडीगढ़ में। तो कल या परसों शायद निकल जाएंगे वो लोग भी नेपाल के लिए। तो अभी हम इधर आए हुए हैं सफाई सफाई करने के लिए, तो सफाई वगैरह करेंगे यहाँ पे। और इधर चालू है काम, उषा सफाई कर रही है यहाँ पे। बेड वगैरह में सारे मिट्टी हो गया था, मिट्टी धूल गिर गया था, तो अभी सफाई कर रही है उषा यहाँ पे। तो शायद रात के 10-11 बजे तक पहुँच जाएंगे मम्मी पापा लोग नेपाल से। सीमू आज कहाँ आए हो आप? घूमी घूमी नहीं, आमा जी के घर है। आज कौन आ रहा है? सीमू इधर देखो, हेलो कर दो, हाय कर दो, हाय बोलो। क्या कर रहे हो? नहीं ये निकाल के बोलो ना, क्या कर रहे हो बोलो। नमस्ते कर दो सबको। सीमू नमस्ते कर दो सबको। इधर सीमू बेटा नमस्ते कर दो सब। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मिट्टी भी कर दो फ्लैंकिस। वेरी गुड। हाँ सो एक बारी हँसी हँसी कर दो, हँस के दिखा। ओ तेरी ओ तिली। बिंदी कहाँ है? ओ पता है सीमू को बिंदी कहाँ है। तो अभी यहाँ पे चाचा भतीजी खेल रहे हैं, तो आशीष भी है इधर। तो अभी गर्मी भी काफ़ी है, सुबह सुबह गर्मी चढ़ गई है, सफाई करना काफ़ी बाकी है, तो टाइम लगेगा काफ़ी यहाँ पे अभी सफाई वगैरह करने में। कैसा फील हो रहा है आज मम्मी लोग आ रहे हैं? बहुत खुशी, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है उषा को, क्योंकि ये हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे आती थी, तो अभी तो पूरा एक महीना ये यहाँ पे नहीं आई है, तो इसको कैसा फील हो रहा होगा। ये तो बहुत खुश लग रही है आज, हर दूसरे तीसरे दिन आती थी ना यहाँ पे, तो मम्मी पापा लोग तो यहाँ से चले गए, कोई भी नहीं है, तो ये एक महीना तक यहाँ पे नहीं आई, तो आज काफ़ी खुश लग रही है। मेरा ख़त्म हो चुका है, तो पहला कैसा था यहाँ पे देखो, अभी सब चकाचक कर दिया उषा ने इधर। तो अंदर भी दिखाते हैं आपको, इधर भी कमरा वगैरह सारे साफ कर दिया है, अभी हमने यहाँ पे पंखा चला के छोड़ दिया है, तो जो भी स्मेल वगैरह था वो ख़त्म हो जाएगा पंखा के हवा से। तो एक महीना तक कोई नहीं रह रहा था यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत स्मेल आ रहा था, तो हमने सोचा क्योंकि पंखा चला के छोड़ देते हैं, अभी पंखा चला के छोड़ दिया है इधर। और इधर भी देखो, इधर भी सफाई हो गया है, इधर भी पंखा चला के छोड़ दिया है हमने। यहाँ पे आशीष सो रहा है, सीमू देखो फ़ोन देख रही है यहाँ पे। ओ टकले टकले हो सीमू। तो
लगभग सफाई खत्म हो गया है, आधा सफाई तो खत्म हो गया है, झाड़ू वगैरह लगा के इधर उधर खत्म हो गया। तो अभी थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह होगा शायद, वो सफाई कर रही है उषा। तो अभी यहाँ पे चादर वगैरह धो रही है। तो गाइस अभी सफाई वगैरह सारा कुछ ख़त्म हो गया है, यहाँ पे सफाई सफाई करके हमने सब ओके कर दिया है। तो अभी हम जा रहे हैं घर के तरफ। तो अभी हमने यहाँ पे ताला तुला लगा दिया है, तो अभी चलते हैं घर। तो अभी वेट करते हैं मम्मी पापा लोग आने का। चलो बेटा चलो चले। चलो 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 बाय बोल दे सबको। किसको बाय करना, कोई भी है नहीं। बाय फोन इधर ही है मेरे पास ही है। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो अभी मिलते हैं फिर घर जाके। तो अभी इधर रास्ता में यहाँ पे ट्रैक्टर लगा दिया है, रास्ता बहुत छोटा है इधर। एक्टिवा भी धो लिया था मैंने, अभी चमक गया है पूरा। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं उधर से इधर अपने घर में, मम्मी पापा के घर से इधर आ चुके हैं। और अभी हो रहा है खाना बनाने का टाइम, तो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ खाना। तो उषा कहती है कि आज आपका छुट्टी है तो आप बना लो खाना, तो अभी मैं खाना बनाऊँगा। तो गाइस खाना मैं बनाऊँगा पर एक शर्त में, चल मैं जो बोलूँगा मैं वो बोल दूँ, बोली पक्का पक्का जो बोलूँगी बोल, मेरे जैसे पति किसी के नहीं है बोल। मेरे से भी अच्छे पति सबके हैं। नहीं ऐसे नहीं, फिर नहीं बनाऊंगा बोल मेरे जैसे अच्छा पति किसी का नहीं है। मेरे जैसा अच्छा पति किसी का नहीं है। सीरियस हो गए सीरियस हो गए बोल। मेरे जैसे इतनी मासूम पति किसी के भी नहीं है। आप पति नहीं, आप देवता। आप पति नहीं परमेश्वर हो। देवता बोल, देवता आप देवता हो बस। नहीं होगी आप मिलकर मत बोल, बोल। उधर देख के बोल मैं धन्य होगी आप मिलकर। तो गाइस ये पास हो गई है, जो टेस्ट था उसमें पास हो गई। तो अभी खाना बनाना पड़ेगा मेरे को, तो अभी चलते हैं खाना बनाने किचन में। Many hours later. तो गाइस अभी हो रहा है रात के टाइम, और अभी मम्मी पापा लोग पहुंचने वाले हैं 10-15 मिनट तक। तो अभी फोन किया था हमने, शायद जुगयाल पहुंच गए होंगे। तो अभी इधर पहुंचने वाले, देखो इन लोगों का अभी यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। इसको भी दिखाओ हीरो को। ओ पीछे पीछे पकड़ पकड़ पकड़। तो अभी शायद पहुंचने वाले हैं, ऑटो में बैठ गए हैं। तो अभी बाहर देखो, बाहर मौसम काफ़ी ख़राब है आज, बारिश का मौसम हो गया है। बारिश का मौसम नहीं, बारिश ही हो गया है जी। देखो बारिश हो रहा है बाहर, है ना। तो गाइस मम्मी पापा लोग आ चुके हैं बाहर, ऑटो का आवाज़ आ चुका है। सिमू आम आ गए, आम वो आ गए, देखो आ चुके हैं। बैंक ले लेने के जाइए अंदर। गाना बजावे, आइए आपका इंतजार था। नमस्ते मम्मी। नमस्ते भाई। फूल बरसाओ भाई, फूल बरसाओ। नमस्ते मम्मी। नमस्ते मम्मी। नमस्ते वाले खाने का। रॉक्सी पे आ ले, लो ले हाथ से। नमस्ते नमस्ते। अयो नहीं मतलब बाबा बाजी नमस्ते। अजी मेरा मम्मी है, मेरा आमा है, मेरा आमा है। दोबारा नीचे नीचे इधर रस्तों में साला।
कौन आ गया? अभी आगे पानी पी रही है। थुदन बिगाड़ के आ रहे हैं, मजने हो गए। तीन दिन से सफर के आ गए ना, थुदन बिगाड़ के बैठ गया। ये मेरा साला साला। क्यों कुछ रही हो? तो 4 बजे थी। तो गाइस अभी मम्मी पापा लोग पहुंच चुके हैं घर, तो अभी पार्टी हो रही है। पापा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मम्मी इधर बाथरूम में गया है। तो देखो इधर इतना सारे झोले में पता नहीं क्या लेके आया, नेपाल से लगता है सारे खजाना उठा के लेके आ गए। तो गाइस आई होप कि आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में।